हेलो एवरीवन, आई एम आकाश। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको हमारे लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ। इस सीरीज़ के 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यह इस सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसमें मैं आपको हमारी लेह से नुब्रा वैली और नुब्रा वैली से लेह तक की जर्नी के बारे में बताऊँगा। चलिए घूमने चलते हैं। हम लोगों ने लगभग सुबह 9 बजे लेह से अपनी जर्नी नुब्रा वैली के लिए शुरू की थी, और बीच रास्ते में ही हमें पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिली, और साथ ही साथ हमें स्नोफॉल भी होता हुआ दिखने लगा। ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने स्नोफॉल होते हुए देखा था, इसीलिए हमें यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। कुछ देर बाद हम खरदुंगला टॉप पर पहुँच गए थे। खरदुंगला टॉप लेह से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और खरदुंगला समुद्र तल से 18,379 फीट की हाइट पर है। खरदुंगला पर भी हमें स्नोफॉल होता हुआ मिला, और यहाँ पर नज़ारे हमें बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिले। यहाँ पर हम लोग रुके, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। फ़ोटोज़ क्लिक कराते टाइम ही हमने देखा कि वहाँ पर बोर्ड पर लिखा था कि आप इस समय विश्व के सबसे ऊँची सड़क पर चल रहे हैं, और यह पढ़ने के बाद तो मानो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि हम विश्व की सबसे ऊंची सड़क पर भी जाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर एक वार्निंग भी थी कि यहाँ पर 20 से 25 मिनट से ज़्यादा रहना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, सो आप उस अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर कुछ देर ज़्यादा रुके थे। अब हम खरदुंगला टॉप से आगे की तरफ चल दिए हैं। खरदुंगला टॉप से ही आगे जाने पर आपको नुब्रा वैली नाम की एक जगह मिलती है। नुब्रा वैली में ही डिस्किट मोनेस्ट्री है। अब लेह से अगर डिस्किट मोनेस्ट्री की दूरी की बात करें तो वह लगभग 120 किलोमीटर है, और अभी हम वहीं के लिए आगे जा रहे हैं। आपको सड़क नीचे बर्फ़ में एक नदी सी दिख रही होगी, हालांकि वह नदी नहीं है, वह भी सड़क ही है। यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिली कि मानो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर सी बिछ गई हो। इतनी ज़्यादा बर्फ़ हमने पहले कभी नहीं देखी थी। आपको सामने पहाड़ों के बीच में भी एक काले रंग की लाइन सी दिख रही होगी, वह भी सड़क ही है, जिस सड़क से अभी हम गाड़ी चलाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ के नज़ारे वाकई में काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन साथ ही साथ इस रोड पर आना थोड़ा सा रिस्की या थोड़ा डेंजर भी रहता है, क्योंकि रोड्स इतने ज़्यादा अच्छे बने हुए नहीं हैं। इस समय आप नुब्रा वैली का व्यू देख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि कहाँ खरदुंगला में हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिल रही थी। वहीं जैसे जैसे हम खरदुंगला से उतरकर नीचे आए, तो नीचे घाटी में आने के बाद हम लोगों को बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ देखने के लिए मिले। और शायद यही लद्दाख की खूबसूरती भी है कि कुछ कुछ दूरी पर ही आपको काफ़ी अलग अलग नज़ारे देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे पूरे ही रास्ते हमें ऐसे ही काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते रहे, जिसमें कहीं पर हमें बर्फ़ और कहीं पर बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ भी देखने के लिए मिले। हम डिस्किट मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। शाम को करीब 4 बजे तक हम डिस्किट मोनेस्ट्री पहुंच गए थे। अब इस वीडियो फुटेज के अंदर मैं आपको पूरा डिस्किट मोनेस्ट्री का टूर दूंगा। डिस्किट मोनेस्ट्री समुद्र तल से लगभग 3,142 मीटर की ऊंचाई पर है, और डिस्किट मोनेस्ट्री नुब्रा वैली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री तिब्बतन स्टाइल में बनी हुई है, और तिब्बतन बुद्धिज्म के ही गेलुगपा सेक्ट से बिलोंग करती है। मोनेस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे प्रेयर व्हील्स लगे हुए थे, जो कि काफ़ी पुराने थे, क्योंकि ये मोनेस्ट्री 14th century में बनाई गई थी। Thank you.
सामने आप मैत्रेय बुद्ध का एक स्टैचू देख सकते हैं जो लगभग 106 फीट ऊंचा है। इस प्रतिमा का निर्माण 2010 में पूरा हो गया था। यह प्रतिमा श्योक रिवर की तरफ फेस करके बनाई गई है जो पाकिस्तान की तरफ होकर बहती है। इस प्रतिमा को बनाने का उद्देश्य ये था, यानी इसे मैसेज वह लोग देना चाहते थे कि किस तरह विश्व शांति को प्रमोट किया जा सके, आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की जंग को कम किया जा सके और साथ ही डिस्कट विलेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ से आप डिस्कट मोनेस्ट्री का पूरा व्यू ले सकते हैं और डिस्कट मोनेस्ट्री देखने के बाद वहाँ से 10 किलोमीटर लगभग आगे हम हुंडर के लिए गए जहाँ पर हमने कैमल सफारी की। इन कैमल्स की खासियत ये है कि ये कैमल्स दो हम्प वाले हैं, यानी नॉर्मली तो आप सिंगल वाला ही देखते होंगे। यहाँ पर आप कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर भी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। यह वह होटल है जिसके अंदर हमने डिस्कट में एक रात का स्टे किया था और यहाँ रुकने के बाद ही अगले दिन हम लेह के लिए निकले थे। इस होटल के जो ओनर हैं वो लोग काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको वेलकम किया। अब अगले दिन हम लेह के लिए आगे निकल चुके हैं। सुबह सुबह लेह के लिए निकलते टाइम नुब्रा वैली में हम लोगों को काफ़ी अच्छा मौसम मिला, काफ़ी अच्छे नज़ारे हमें वहाँ देखने के लिए मिले। पूरा रास्ता ही आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और जब हम फिर से खरदुंगला टॉप के नियर बाय पहुँच रहे थे तो हमें फिर से पहाड़ों पर और साथ ही साथ रोड के दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिलने लगी, जैसी कि आप अभी भी वीडियो में देख सकते हैं। रोड के दोनों साइड ही काफ़ी बर्फ़ की काफ़ी मोटी मोटी चादर बिछी हुई है। खरदुंगला टॉप के आसपास आपको रोड्स कुछ ख़राब या टूटे फूटे भी मिल सकते हैं, हालांकि उनके पीछे भी रीज़न है क्योंकि काफ़ी टाइम ये रोड्स बर्फ़ से ढक भी जाते हैं और इन रोड से बर्फ़ हटाने का काम भी लगातार चलता रहता है, जिसके लिए काफ़ी भारी भारी मशीन्स इन रोड के ऊपर चलाई जाती हैं ताकि बर्फ़ को हटाया जा सके, और उस वजह से भी ये रोड टूट जाते हैं। हालांकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हर साल इन रोड्स को बनाने के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, और उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल है कि इतने ऊंचे-ऊंचे बर्फीले पास से होकर भी हम काफ़ी दूर दूर के इलाकों में घूमने के लिए जा सकते हैं। हालांकि स्टिल ये रोड्स इतने ज़्यादा आपको बुरे भी नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं कि इस पर आप गाड़ी चला नहीं सकते, हालांकि आपको काफ़ी आराम से और सेफ ड्राइव यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर रोड पर हमें कुछ हल्का जाम सा लगा मिला क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी कि एक ही साथ बार में एक साइड से गाड़ियाँ भी निकल जाएँ, दूसरी साइड से कुछ ट्रक्स भी निकल जाएँ, तो इस वजह से हम रोड पर साइड में अपनी गाड़ी लगाकर खड़े हो गए थे क्योंकि सामने से मिलिट्री के कुछ ट्रक्स आ रहे थे और इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी सब लोग साथ में निकल सकें। लेकिन यहाँ पर रुकने के बाद हम लोगों ने काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धुंध हमें देखने के लिए मिली और साथ ही साथ बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक जगह दिखाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि यह नदी नहीं है नीचे, बल्कि यह एक रोड है। अभी इस वक्त हम उसी रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ हमें देखने के लिए मिल रही है और साथ ही साथ बहुत हल्की हल्की यहाँ पर स्नोफॉल भी हमें देखने के लिए मिली। अगर अभी तक आपको यह बर्फ़ अच्छी लग रही हो सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। इस सीरीज़ की आगे पेंगोंग लेक की वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ट्रैफिक आगे निकलने लगा है। यहाँ पर अराउंड आधे घंटे का हम लोगों को वेट करना पड़ा, लेकिन आधे घंटे का भी मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को इतना पता ही नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे थे। सामने आप ट्रक देख सकते हैं और उसके साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी कम जगह है, और इतनी कम जगह होने की वजह से ही इस तरह का जाम आपको सिर्फ इसी जगह पर नहीं, आपको ले जाते टाइम कई जगहों पर आपको इस तरह का जाम मिल सकता है।
लोग लेह पहुंच चुके हैं। यह व्यू आपको लेह पैलेस से देखने के लिए मिल रहा है। इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको लेह के टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।